सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शॉपसी मार्केट प्लेस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि फ्लिपकार्ट ने अपना एक न्यू पोर्टल स्टार्ट किया है जिसका नाम की है शॉपसी। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप देखिए ऑलरेडी फ्लिपकार्ट सेलर हैं और आप शॉपसी पे सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई न्यू अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मान के चलिए कोई न्यू सेलर हैं एंड आप फ्लिपकार्ट पे नहीं हैं और आप शॉपसी पे सेल करना चाहते हैं तो आप एक न्यू अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट और शॉपसी का सेम अकाउंट होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट और शॉपसी का सेम अकाउंट होगा एंड प्रोसीजर भी दोनों का सेम है। सो आप फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाएं या शॉपसी पे अकाउंट बनाएं, दोनों में अकाउंट एक ही पैनल पे बनेगा, बट लिस्टिंग में थोड़ा डिफरेंस होने वाला है। तो मैं बता देता हूँ शॉपसी पे हम किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए हम गूगल करते हैं सेल ऑन फ्लिपकार्ट, या आप सेल ऑन शॉपसी भी लिखेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, सेल ऑन फ्लिपकार्ट भी लिखेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। इस लिंक को जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का पैनल आएगा आपके पास, जिसमें कि फी स्ट्रक्चर आपके पास दिया रहता है, राइट। उसके बाद सर्विसेज जो हैं वो दी रहती हैं फ्लिपकार्ट की, प्लस आपके रिसोर्सेज FAQs अगर आपके कुछ हैं, आप जानना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे सेल क्यों करना है, क्या क्या रीच है फ्लिपकार्ट की, कितने कस्टमर हैं, आपको किस तरीके से पेमेंट मिलेगी। तो देख लीजिए, द पेमेंट विल बी मेड डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट थ्रू NEFT ट्रांजेक्शंस। फ्लिपकार्ट विल सेटल योर पेमेंट विद इन 7 to 15 days बेस्ड ऑन द सेलर tier। तो 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में जो आपने सेल करी है उसका पैसा आ जाता है। स्टार्टिंग में ये 15 दिन होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अच्छा सेल करते हो आपकी टीयर इंक्रीज होती है तो ये 7 दिन का हो जाता है। आप व्हेन कैन आई स्टार्ट सेलिंग, तो आप कभी भी कर सकते हैं, आपके पास बस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एक लिस्टिंग से भी आप, एक प्रोडक्ट से भी आप शुरू बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये सारे FAQs आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, अगर मैं फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहूँ तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट कोई ज़्यादा लगते नहीं है, GST आपके पास होना चाहिए एंड बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट सेविंग भी चलेगा और करंट भी चलेगा, कोई भी हो आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे आपको अकाउंट बनाना है तो इस तरीके का पैनल, आप यहाँ से रजिस्टर नाउ करेंगे तो आपके पास ये पैनल आएगा। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालें, ईमेल एड्रेस डालें एंड यहाँ पे आपका फुल नेम डालें। ये आपका अपना फुल नेम होना चाहिए एंड इस जो नेम आप यहाँ पे डालोगे इसी नाम पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए एंड ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे अपने डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप OTP वेरीफाई करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करें एंड उसके बाद आप साइन अप करेंगे। अभी मेरे पास कोई नया नंबर और नया मेल तो है नहीं जिससे मैं इसको करके दिखाऊँ आपको, बाकी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप करें या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। वहीं आप शॉपसी पे सेल करना चाहें तो यहाँ देखिए नो मोर अबाउट शॉपसी अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पैनल ओपन होगा। तो यहाँ पे शॉपसी के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट के बारे में डिटेल मिल रही थी वहीं आपको यहाँ पे शॉपसी के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। तो शॉपसी एक मार्केट प्लेस है फ्लिपकार्ट का, जहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 0% आपके प्रोडक्ट पे कमीशन लगेगा और शिपिंग भी 0%, अब ज़ीरो इन्होंने कर लिया है। जो अगर आपका प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से नीचे है तो, एंड कुछ कुछ वर्टिकल के लिए ही वो स्टार्ट हो रखा है। शॉपसी है क्या, अगर आप जानना चाहें तो ये इसको पढ़ सकते हैं। अभी फ्लिपकार्ट ने जस्ट आई गेस 6 महीने हो रखे हैं इसको लॉन्च हुए, तो आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 0% कमीशन लगेगा, फ्री शिपिंग, ईजी प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी। पहले क्या होता था, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए थोड़ा इमेज गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट थी फ्लिपकार्ट की, बट अब आप टेबल टॉप में रख के या हैंगर इमेजेस भी उस पर अपलोड कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से खींची हुई इमेज। ब्रांड रेगुलेशन कोई ज़्यादा नहीं है, बिना ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाता है, ये फ्लिपकार्ट पे भी था आपका। एनहेंस रीच ऑफ मिलियन कस्टमर्स को आप रीच कर सकते हैं। आप यहाँ पे लॉगिन अगर करना चाहें, जैसे आप फ्लिपकार्ट ऑलरेडी सेलर हैं तो यहाँ से लॉगिन करके आप फ्लिपकार्ट पैनल से ही शॉपसी पे लिस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ करेंगे एंड रजिस्टर नाउ करेंगे तो देखिए फिर से यही ऑप्शन आएगा,
जहाँ पे आप फ्लिपकार्ट, देखिए यहाँ पे दोनों दे रखा है, फ्लिपकार्ट एंड शॉपसी, दोनों में आप एक साथ यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट है ऑलरेडी तो बनाने का देखिए प्रोसेस सेम है, अकाउंट है ऑलरेडी तो यहाँ से लॉगिन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप शॉपसी के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये FAQs हैं यहाँ पे, वैसे अभी फ्लिपकार्ट की FAQs हैं और शॉपसी पे कुछ अलग नहीं है फ्लिपकार्ट से, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम शिपिंग रहेंगी, डिलीवरी पैकेजिंग सब कुछ सेम रहने वाला है। बस एक फ़र्क जो है वो ये है, ये 0% कमीशन है, नेशनल वाइड फ्री शिपिंग, और थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन में रिलैक्सेशन आपको दे रखा है, जैसे इमेज का हो गया और ब्रांड रेगुलेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन दे दिया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। अब बात करते हैं अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं किस तरीके से, आपने मान के चलिए अकाउंट बना दिया फ्लिपकार्ट पे, शॉपसी पे एक ही बात है, दोनों में आपने अकाउंट बना दिया, अब आप लिस्टिंग कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, लिस्टिंग टैब है, लिस्टिंग टैब के नीचे ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। मान के चलिए ये एक सेलर का अकाउंट है जिस जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहा है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो तब भी आपके पास लिस्टिंग का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लिस्टिंग शुरू कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करना चाहें या शॉपसी पे, दो में से एक ऑप्शन है, दोनों में से आप एक जगह लिस्टिंग कर सकते हैं, लिस्टिंग का प्रोसीजर भी सेम रहने वाला है। सो फ्लिपकार्ट पे अगर आप करना चाहें तो यहीं से सिंगल लिस्टिंग, यहीं से बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर शॉपसी पे करना चाहें तो शॉपसी पे क्लिक करें सबसे पहले, ये देखिए शॉपसी बाय फ्लिपकार्ट आ गया। अब ब्रांड न्यू जीरो कमीशन मार्केट प्लेस है, नो मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ रूल्स हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, लाइक यहाँ पे आपके पास एक ऑफर भी है, अगर आप सेलर विद मैक्सिमम लिस्टिंग स्टैंड्स अ चांस टू विन वाउचर ऑफ 25,000, जो सबसे ज़्यादा लिस्टिंग करेंगे, टॉप 5 सेलर्स में मंथली रिवॉर्ड मिलेगा, हाईएस्ट बिटवीन इतने से इतने टाइम में मेगा स्टार सुपर चैंपियन, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। अगर इस कैंपेन के बारे में आपको और जानना है तो यहाँ पे नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना कैसे है, तो सेम जैसे फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करते हैं उसी तरीके से आप शॉपसी में भी लिस्टिंग करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ से आप स्टार्ट लिस्टिंग नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या लिस्ट नाउ टू विन कर सकते हैं, ऐड न्यू लिस्टिंग किसी पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं स्टार्ट लिस्टिंग नाउ करता हूँ, उसके बाद अभी शॉपसी पे मैंने क्लिक कर रखा है, यहाँ से मैं ऐड न्यू लिस्टिंग करता हूँ, कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान के चलिए मुझे सैंडल सेल करना है, एंटर कर लेते हैं, ठीक मैं मुझे सैंडल सेल करना है तो मैं सैंडल यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सैंडल राइट, मुझे सैंडल सेंड करना है तो मैं यहाँ से सैंडल सेल करता हूँ। अब मुझे सैंडल कौन से सेल करने हैं वो यहाँ पे देखिए आपके पास सारे ऑप्शन आ गए, जैसे सैंडल शॉपसी सैंडल, उसके बाद शॉपसी किड्स सैंडल, ये शॉपसी नाम इसको बस आइडेंटिफाई करने के लिए दे रखा है फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि सेम चीज़ें फ्लिपकार्ट पे भी आपको दिख जाएंगी राइट। अब मैं यहाँ पे शॉपसी सैंडल करता हूँ राइट, तो ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है किस तरीके का सैंडल आपको करने है। वहीं आप चाहें तो सबसे अच्छे किस तरीके से कर सकते हैं आप, बेस्ट मैं आपको बता देता हूँ आप क्या करें। एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश करके आपको शो कर देता हूँ, न्यू पेज ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे पहले वर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मुझे वर्टिकल मैं यहाँ पे फुटवेयर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद फुटवेयर में फुटवेयर एसेसरीज हैं या किड्स फुटवेयर हैं, तो फुटवेयर में फुटवेयर है मेरे पास, सैंडल है मेरे पास, यहाँ से आप लिस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ये गर्ल्स एंड मैन एंड वेमेन दोनों के सैंडल्स हैं। सेलेक्ट ब्रांड यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो भी ब्रांड है वो सेलेक्ट करें, चेक ब्रांड पे क्लिक करें। मान के चलिए आपके पास कोई भी ब्रांड नहीं है अभी या कोई नया ब्रांड है, तो आप अपने ब्रांड का नाम लिखें यहाँ पे, लाइक मैं XYZ कोई ब्रांड का नाम दे देता हूँ। चेक ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड, क्रिएट लिस्टिंग पे क्लिक करें और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप इनको दे सकते हैं। ये वीडियो लिस्टिंग की नहीं है, ये वीडियो जस्ट है कि आप शॉपसी पे कैसे सेल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लिस्टिंग पे वीडियो चाहिए उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप चाहें तो यूट्यूब पर यहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं लिस्टिंग के लिए राइट। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंट रिलेटेड कोई भी नॉलेज, कोई भी सेलर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच।
कीप सेलिंग मनी।